बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि किस तरह मीनाक्षी के शरारे ने महफिल में मौजूद तमाम लोगों के गरारों को आग लगा दी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, मगर क्योंकि ये एक डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग चैनल है तो हम इसमें डिज़ाइन और स्टाइल की भी गुफ्तगू साथ साथ करेंगे जो कि स्क्रीन पर नज़र आएगी। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, और आपको पता है कि आजकल फुल फ्लोरल प्रिंट्स आए हुए हैं, सेम प्रिंट्स आए हुए हैं, तो ये इसी तरह का डिज़ाइन है। और ऊपर गोटे की बारीक पट्टियां लगी हुई हैं जो कि आप ग्लू से भी लगा सकते हैं और स्टिचिंग से भी लगा सकते हैं। इसे दर्जन या घर में कपड़े सीने वाली ख़वातीन भी बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो बात कर रहे थे हम मीनाक्षी और अन्नू की। आपको पता है कि हर घर में ज़रूर एक ऐसी बहन होती है, बड़ी बहन या ऐसी छोटी बहन, के जिसको अपने जज्बात दबाने पड़ते हैं अपनी बाकी बहनों के लिए। ऐसी ही कहानी है मीनाक्षी और अन्नू की। अब हुआ ये कि मीनाक्षी ने ज़िद की कि उसे शरारा बनवाना है, जबकि अन्नू को भी शरारा बनवाना था, लेकिन तय ये पाया कि अन्नू को कुर्बानी का बकरा बनना है और जी मीनाक्षी के लिए ही शरारा बनेगा। तो चुनाचे जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसी की वजह से मीनाक्षी को शरारा तो मिल गया, लेकिन उसके चारों तरफ या उसके नीचे घेर के ऊपर टिशू की उन्होंने लेस लगाई। अब जैसे ही मेहंदी इवेंट में पहुंचे, उस शरारे की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, ये बस आया ही चाहता है। तो जैसे ही इस मेहंदी इवेंट में पहुंचे तो जो मेहंदी वाली प्लेटें थी और उनके ऊपर मोमबत्तियां लगी थी, टिशू के कपड़े ने उसको पकड़ लिया और जनाब आग लग गई। बस फिर क्या था, शरारे की वजह से हर तरफ अंगारे ही अंगारे और आग ही आग हो गई। और फिर पता है क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अन्नू ने अपने सूती गरारे के दुपट्टे से मीनाक्षी के कपड़ों की आग बुझाई। मीनाक्षी शर्मिंदा हुई मगर माफ़ी नहीं मांगी।